Dear students, I am Sashikala Verma, your EVS teacher. Today we are going to start our chapter 9. The chapter is our festivals. Our means हमारे और festivals means त्यौहार, हमारे त्यौहार. तो students, हमारे भारत में सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं, जिससे हमारे भारत में सभी धर्मों के आधार पर त्यौहार celebrate किए जाते हैं, means festival celebrate किए जाते है. So let's start. What do you do on Diwali? क्वेश्चन में बोल रहा है What do you do on Diwali? Take the correct pictures. यहाँ पर टू पिक्चर्स दी हुई हैं. इसे बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि हम दिवाली में, आप दिवाली में क्या करते हो? आप दिवाली में दीपक जलाते हैं या फिर कलर खेलते हैं? तो क्या करते हैं? हम दीपक जलाते हैं दिवाली में. तो ये वाला पिक्चर में टिक होगा. तो यहाँ पर ऐसे बॉक्स दिया हुआ, यहाँ पर ऐसे आपको टिक लगाना है. ओके, नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर. इंडिया इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द कंट्री एवरी ईयर. इंडिया इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. इंडिया जो है, इंडिया इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. इंडिया जो है त्योहारों की भूमि है. इंडिया क्या है? त्योहारों की धरती है. ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द कंट्री एवरी ईयर. कई त्योहार जो हैं, कई फेस्टिवल्स जो हैं, हमारे देश में हर साल बनाए जाते हैं. फर्स्ट फेस्टिवल है इसमें दशहरा. ये देखिए, दशहरे में हम तीन पुतले हैं जिसे जला रहे हैं. तो इस तरह से हम लोग दशहरा सेलिब्रेट करते हैं. दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्टोरी ऑफ गुड ओवर एविल. यह स्टोरी जो है, यह सेलिब्रेशन जो है, यह बुराई पर अच्छाई की जीत पर मनाया जाता है. दिस इज द celebrated to mark the victory of good over evil. बुराई पर अच्छाई की जीत का celebration किया जाता है. On this day, Lord Rama killed the demon king Ravana, the king of Lanka. On this day, इस दिन Lord Rama, है ना, भगवान राम जो हैं राक्षसों के राजा रावण का, जो कि लंका का राजा था, उनका वध किए थे, मतलब उन्हें मार डाले थे. कौन? लॉर्ड रामा मीन्स भगवान राम. लॉर्ड रामा जो हैं वह राक्षसों के राजा रावण को, जो कि लंका के राजा होते थे, लंका के राजा कहे जाते हैं, है ना, तो उनका वध जो है राम जी ने किया था. पीपल बर्न इफेजीज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ. लोग क्या करते हैं? रावण के पुतले बनाते हैं, एफिजीज बनाते हैं. ठीक, किनके किनके? रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाथ के. इन दोनों के पुतले बना करके क्या करते हैं? उन्हें जलाते हैं. इन तीनों के पुतले बनाकर उन्हें जलाते हैं. इस तरह से वह यह प्रतीत होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई. नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट फेस्टिवल. नेक्स्ट फेस्टिवल है दिवाली. अब दिवाली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इस पर भी एक कहानी है. दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट. दिवाली जो है यह लाइट्स का त्यौहार है. यह कैसा फेस्टिवल है? यह लाइट्स का है. जब दीपावली होती है तो हमारे घर में, दुकानों में, रोड में, चारों ओर उजाला छाया रहता है. चारों ओर लाइट से डेकोरेट किया जाता है. दिस डे मार्क्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एक्साइल. इस दिन हम दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि दीपावली के दिन जो भगवान राम थे, लॉर्ड रामा थे,
वे 14 साल की वनवास के बाद, है ना, 14 साल मतलब 14 ईयर्स तक वे जंगल में रहे। वहाँ अपना जीवन जीने के बाद वापस वे अपने घर अयोध्या लौट कर आए थे। पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स, इसी की खुशी में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली के दिन जो है लोग जो हैं मिठाइयाँ और गिफ्ट्स, है ना, स्वीट्स और गिफ्ट्स को आपस में एक्सचेंज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं, हम मिठाइयाँ लोगों के घर घर जाकर के बांटते हैं और हम उनके घर जाते हैं तब भी वे लोग हमें हमारे बदले दूसरा मिठाइयाँ देते हैं। इन द इवनिंग पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा, और दीपावली के दिन जब शाम का समय होता है तो सोम के समय भगवान लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। उसके बाद दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट होल फेस्टिवल इज होली। अब होली क्यों सेलिब्रेट की जाती है और कैसे करते हैं। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली जो है यह रंगों का त्यौहार है। ऑन दिस डे पीपल थ्रो कलर्ड वाटर एंड कलर्स ऑन ईच अदर। क्या वो क्या करते हैं होली के दिन लोग क्या करते हैं, एक कलर को जो है कलरफुल रंग फेंकते हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर कलरफुल क्या करते हैं, पानी में कलर को घोल लेते हैं और लोगों के ऊपर यह रंग जो है डालते हैं। इट इज़ सेलिब्रेट विथ ग्रेट जॉय, है ना, यह सेलिब्रेशन बहुत खुशी खुशी और बहुत खुशी पूर्वक मनाया जाता है। नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ गुरु पर्व। गुरु पर्व मार्क्स द बर्थडे ऑफ द सिख गुरु। गुरु पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन गुरु पर्व के दिन सिख गुरु का क्या होता है, जन्मदिन होता है। पीपल गो टू द गुरुद्वारास टू वर्शिप। पीपल लोग जो हैं गुरुद्वारा जा कर के वहाँ पूजा करते हैं। दे ईट इन अ कॉमन किचन कॉल्ड लंगर, और वे क्यों कॉमन किचन जो पंजाबियों का जो किचन होता है, है ना, उसे लंगर कहा जाता है। उस किचन में उन सभी के लिए खाना बनाया जाता है और वह लंगर सबको बांटा जाता है। नेक्स्ट फेस्टिवल इज ईद। मुस्लिम्स फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान ईद। अब ईद के दिन क्या करते हैं, ईद कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। मुस्लिम्स फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, है ना, मुस्लिम जो हैं पूरा रमज़ान का त्यौहार मतलब पूरा एक महीना वह व्रत रहते हैं और आखिरी के, है ना, और इस व्रत को क्या रमज़ान के नाम से जाना जाता है। ठीक, ईद मार्क्स द एंड ऑफ दिस मंथ, और जब यह रमज़ान ख़त्म होता है यह महीने के आखिरी दिन में, महीने के आखिरी जब महीना का आखिरी होता है लास्ट ख़त्म होने लगता है तब ईद बनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेट विथ ग्रेट जॉय, इस त्यौहार को लोग बहुत ही खुशीपूर्वक मनाते हैं। पीपल वेयर न्यू क्लॉथ्स प्रे इन मॉस्क्यूज एंड ईट स्वीट सेवैयाँ। लोग क्या करते हैं इसमें जो मोमडम्स होते हैं, मोमडम्स लोग होते हैं वे नए नए कपड़े करते हैं और मॉस्क्यू जाकर मीन्स मस्जिद में जा कर के वे पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और स्वीट्स में क्या सेवैयाँ बनाते हैं। सेवैयाँ जो है फेमस है, सेवई स्वीट्स जो है इनकी यहाँ फेमस है जो ईद के दिन बनाया जाता है। नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ दुर्गा पूजा। अब दुर्गा पूजा कैसे सेलिब्रेट किया जाता है किस, है ना, तो चलिए हम जानते हैं। दुर्गा पूजा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द पीपल ऑफ बंगाल। दुर्गा पूजा जो है यह बंगालियों के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, इसे बंगाल में जो है बंगाल में जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ऑन दिस डे पीपल वर्शिप गॉडेस दुर्गा, इस दिन ये लोग दुर्गा माता की पूजा करते हैं। दे वियर न्यू क्लॉथ्स एंड ईट स्वीट्स एंड अदर स्पेशल फूड्स। इस दिन ये लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और घर पर कई अलग अलग तरह की स्पेशल फूड्स बनाए जाते हैं, है ना, जिसे
जिसे वे लोग भी उन स्पेशल फूड्स को बनाते हैं और स्वीट्स बनाते हैं, लेते हैं और इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल इज क्रिसमस। क्रिसमस इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, है ना। यह त्यौहार जो है, यह फेस्टिवल जो है वह क्रिश्चियंस का है। क्रिसमस इज सेलिब्रेट टू मार्क द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस त्यौहार क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस का सेलिब्रेशन इस यह लॉर्ड जीसस, मतलब जब जीसस का जन्म हुआ था तो जीसस का बर्थडे क्रिसमस डे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेट ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। यह हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पीपल गो टू द चर्च टू प्रे। लोग जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वह चर्च जाते हैं और वहाँ जाकर के प्रार्थना करते हैं। दे सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स एंड गिफ्ट टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। और इस फेस्टिवल में क्रिश्चियंस लोग क्या करते हैं, वे अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। क्लास असाइनमेंट, राइट नेम्स ऑफ दीज फेस्टिवल। यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ हैं, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन सेंटेंस को पढ़ना है और फेस्टिवल के नेम राइट करने हैं। नाउ फेस्टिवल ऑफ लाइट, लाइट्स का त्यौहार कौन सा है? तो आप जानते होंगे, ये आपका होमवर्क है, तो आप ये खुद करेंगे, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। फेस्टिवल ऑफ कलर, तो कलर का त्यौहार कौन सा है? फेस्टिवल हेल्ड एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान, है ना। वह रमज़ान के आखिरी में कौन सा मंथ के आखिरी दिन में कौन सा रमज़ान को कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर किसका सेलिब्रेशन किया जाता है? फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो होमवर्क है स्टूडेंट्स, आपको इसे फिल करके सेंड करना है। ओणम, अब ओणम कहाँ पर मनाया जाता है? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला। यह केरला का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। ऑन दिस डे पीपल टेक पार्ट इन बोट रेसेस। इस दिन लोग जो हैं नाव में बैठ करके क्या करते हैं, रेस लगाते हैं, ठीक है। ओणम का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? ये लोग जो हैं नाव में बैठते हैं, नाव में बहुत सारे लोग बैठते हैं और उसमें बैठ करके और रेस लगाते हैं। दे वर्शिप लॉर्ड विष्णु एंड किंग महाबली, है ना। ये लोग जो हैं ओणम के दिन जो है ये भगवान विष्णु और राजा महाबली की पूजा करते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, पोंगल एंड ओणम आर द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। पोंगल, क्या आप जानते हैं कि पोंगल और ओणम का त्यौहार भारत में किस रूप में मनाया जाता है? जब पहली हमारे सीजन की पहली जो फसल कटती है उस फसल में यहाँ पर लोग हार्वेस्टिंग के रूप में इस पोंगल और ओणम का जो त्यौहार है, तो हमारे यहाँ जब खेत की कटाई होती है, धान की कटाई होती है, तब यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। दे आर रिलेटेड टू द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स, है ना, अनाज की कटने की खुशी है। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ टू मोर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स। इसमें बोला गया है कि ऐसे दो फेस्टिवल्स के नेम बताइए कि जब फसल की कटाई होती है तो उस फसल की कटाई के रूप में मनाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पोंगल। पोंगल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। पोंगल जो है यह तमिलनाडु का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, महत्वपूर्ण त्यौहार है। दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन जनवरी। पोंगल का त्यौहार जो है वह जनवरी मंथ में मनाया जाता है। ऑन दिस डे इस दिन काउज आर फेड विथ पोंगल राइस। इस दिन गायों को, काउस को जो है पोंगल चावल खिलाया जाता है। ओके, क्या किया जाता है? ऑन दिस डे काउज आर फेड विथ पोंगल राइस। इस दिन जो है वह गायों को
पोंगल चावल खिलाया जाता है। सन गॉड इज़ ऑल्सो वर्शिप्ड, और ये सूर्य देवता की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य देवता की पूजा करते हैं, मीन्स सूर्य भगवान। नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ नेशनल फेस्टिवल। अब नेशनल फेस्टिवल्स को भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और जिसे मनाना ही चाहिए। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री ऑन द सेम डे एवरी ईयर्स। नेशनल फेस्टिवल जो राष्ट्रीय त्यौहार होता है, यह हम पूरे देश में, अपने देश में हर साल एक ही दिन मनाते हैं। वी इंडियन सेलिब्रेट थ्री मेन नेशनल फेस्टिवल्स। हमारे यहाँ के जो भारतीय लोग हैं, वह तीन नेशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं, जो कि तीन नेशनल फेस्टिवल होते हैं। फर्स्ट है इंडिपेंडेंस डे। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर, है ना। यह 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे जो है यह 15th अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ऑन दिस डे इन 1947 इंडिया बिकम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। क्या बोल रहा है? इस दिन 1947 में इस दिन हमारा देश जो है अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। द मेन सेलिब्रेशन आर हेल्ड एट द रेड फोर्ट। इसका जो मेन मुख्य सेलिब्रेशन होता है वह लाल किले पर होता है। द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एंड एड्रेस द नेशन। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वह रेड फोर्ट में जा कर के, उस जगह पे जा कर के झंडा फहराते हैं और अपने देश को एड्रेसेस देते हैं, ठीक है। रिपब्लिक डे। नेक्स्ट फेस्टिवल इज द रिपब्लिक डे। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26th of January एवरी ईयर। 26th January को रिपब्लिक डे जो है हर साल मनाया जाता है। ऑन दिस डे इन 1950 इंडिया बिकम्स अ रिपब्लिक। इस दिन जो है 1950 में इंडिया जनवरी एवरी ईयर। ऑन दिस डे इन 1950 इंडिया बिकम्स अ रिपब्लिक, ना 1915 को 1950 में हमारा देश जो है हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया था, ठीक। अ ग्रैंड परेड इज टेकन आउट एट विजय चौक इन न्यू दिल्ली। और एक विजय चौक न्यू दिल्ली में एक ग्रेट परेड जो है, एक परेड निकाली जाती है जिसमें प्रेसिडेंट, है ना, उन्हें सलामी देते हैं। प्रेसिडेंट सशस्त्र बलों की सलामी लेते हैं। तो इस तरह से रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट है गांधी जयंती। गांधी जयंती भी एक नेशनल फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 2nd October एवरी ईयर, है ना। इसका ये गांधी जयंती का सेलिब्रेशन जो है हर साल अक्टूबर 2nd October को मनाया जाता है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। इस दिन जो है महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। द फादर ऑफ द नेशन, है ना। गांधी जी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द नेशन। पीपल विजिट हिज समाधि राजघाट इन न्यू दिल्ली। पीपल विजिट हिज समाधि राजघाट इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के राजघाट पर उनकी समाधि है जहां पर लोग विजिट के लिए जाते हैं। अ स्पेशल प्रेयर्स इज हेल्ड एट राजघाट इन दिल्ली ऑन दिस डे एवरी ईयर इन हिज मेमोरी। और उनकी याद में, महात्मा गांधी जी की याद में लोग हर साल 2nd October को उस न्यू दिल्ली राजघाट पर जाते हैं और उनकी याद में प्रार्थना करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे भारत देश में कई फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, ओके। जैसे आपने नेशनल फेस्टिवल भी देखा, नेशनल फेस्टिवल में आपका
इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती और फेस्टिवल्स हैं जो आपके होली, दशहरा, दिवाली, ईद, गुरुपर्व है ना। तो इस तरह से आपने जाना कि कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। सभी त्यौहार हमारे भारत देश में ही मनाया जाता है, इसीलिए इसीलिए कहा गया है कि यह देश जो है यह त्यौहारों की भूमि है। ओके सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।